मेंबर जितने ये बड़े बड़े 80% मौलवी है भाई, मजलिस पढ़ना है, हाँ जी 15,000, अशरे का 10,00,000 रुपए। बताइए, जब ये तिजारत बन गया तो ये खुदा की रजा नहीं चाहते, ये सिर्फ पब्लिक को राजी करने, जो पब्लिक को पसंद आए। हत्ता के इन कानों ने, गुनहगार कानों ने, एक मशहूर जाकिर को खुद मैंने सुना अमरीका में, मिंबर पर बैठकर उन्होंने फिल्मी गाना सुना। बताइए, मातम करने की जगह है, बताइए, फिल्मी गाना। एक बदबख्त खुद को शिया आलिम कहता है, वो जनाब उन्होंने पूरा गाना जो है वो मिंबर पर सुना। अलबत्ता वो ठीक है, 9 रबीउल अव्वल थी, मगर मिंबर का कुछ तो एहतराम हो, मिंबर इसलिए कि गाने सुनाए जाए। सलमान आप पर भी वाजिब है। देखिए कुरान की आयत है, यहूदियों पर अजाब आया, क्यों अजाब आया? अमर बिल मारूफ न करने की वजह से। अल्लाह ने कहा सनीचर को मछलियां नहीं पकड़ना, एक जो है मछली पकड़ते थे उन पर भी अजाब आया। दूसरे क्या थे, खुद नहीं पकड़ते थे मगर उन्हें मना नहीं करते थे, चुप रहते थे भी हमारा क्या, सब अपनी कब्र में जाएंगे। नहीं, वो भी अजाब से न बच सके क्योंकि वो खुद तो गुनाह नहीं करते थे मगर दूसरों को रोकते नहीं थे। फकत वो अजाब से बच गए जो मछलियां भी नहीं पकड़ते थे और पकड़ने वाले को अमर बिल मारूफ भी करते थे, यानी आप भी उनके जुर्म में शरीक हैं। अगर एक जाकिर की मजलिस में जाते हैं, वो मकसद हुसैन बयान नहीं कर रहा, अमर बिल मारूफ बयान नहीं कर रहा, आप अगर वहां चुप रहें, अगर खामोश रहें, एहतजाज न करें, कागज न लिखें, अगर आप डर की वजह से कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये जो कारोबारी लोग हैं इनके पास गुंडे भी होते हैं, वफा करने वाले भी होते हैं, जाहिर है कि टीम बनाई हुई है, जब 10-10 लाख रुपए लेते हैं, गुंडे भी पाल रखे हैं, वफा करने वाले भी मखसूस है, नारे लगाने वाले भी। एक बाहर के आदमी ने मुझे कैसेट सुनाई और कहा जी ये मौलवी साहब पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, एक बैठा हुआ कह रहे वाह 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 वाह। मैंने कहा इसको पैसे मिलते हैं, सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले, पूरी मजलिस सुन ही नहीं रहा। मौलवी साहब मजलिस पढ़िए, कि वो वेगन अभी नहीं आई, वेगन आएगी फिर मजलिस पढ़ूंगा। उसमें 20-25 लोग हैं, अलग अलग जगह बिठाते हैं, वाह 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 करने वाले, नारे लगाने वाले। ये आज मौला हुसैन के साथ जुल्म हो रहा है तो ये अमर बिल मारूफ कहां करेंगे? सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप भी मुजरिम है अजीदाने गिरामी, अगर आप डर रहे हैं, इनके गुंडों से डर रहे हैं या इन लोगों से डर रहे हैं, तो सुनिए परवरदिगार के प्यारे नबी की हदीस, सरकार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरवाहुन लहुल फिदा फरमाते हैं कि जो ला इलाह इल्लल्लाह सच्चे दिल से कहे, दिल से भी जबान से भी, वो अजाब से महफूज है। फकत एक शर्त है। कहा वो क्या? असहाबे किराम ने कहा अल्लाह के रसूल वो क्या? कहा वो शर्त ये है कि ला इलाह इल्लल्लाह की तोहीन न करे। लोगों ने कहा जी ला इलाह इल्लल्लाह की तोहीन मुसलमान करेगा? कौन बेगैरत मुसलमान होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह की तौहीन करेगा? अब सुनिए इमाम अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं, सैयदुल मुरसलीन क्या फरमाते हैं। फरमाते हाँ कुछ लोग हैं कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मगर तौहीन भी ला इलाहा इल्लल्लाह की करते हैं। कि अल्लाह के रसूल हमें समझ में नहीं आ रही है हदीस, कौन मुसलमान होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह की तौहीन करे? अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला बैठा हुआ है और उसके सामने एक ऐसा अमल हो रहा है जो कुरान के खिलाफ है, जो शरीयत के खिलाफ है, मसलन यही जाकिर आजकल कहते हैं जी नमाज की कोई जरूरत नहीं, अली अली करें और जन्नत में चले जाएं, जबकि कुरान की आयत है अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुशरिक है, वो नजिस है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लैस मिन उम्मती, वो मेरी उम्मत से खारिज है। अब अगर किसी जाकिर ने यह पढ़ दिया, कुरान की तोहीन की, मौला रसूल खुदा के फरमान की तोहीन की, सारे आइमे मासूमीन के फरमान की तोहीन की, आप उस मजलिस में बैठे रहे, आपने सुना मगर आपने उठकर एहतजाज नहीं किया, तो गोया आपने भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तौहीन की।